ये ना तीन मैंने बिल्कुल अलग क्रम से नंबर लिखे हैं, अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। अब ठीक वैसे ही सॉर्ट करेंगे। अभी देखिए ये जो ये रूप आपको कहीं भी दिखाएगा, एक तो ये तो ऑफिस सेवन का है और भी टेन आएगा उसमें और सुंदर रूप आपको दिखाई पड़ेगा, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे आपके पास। ये खैर मैंने हिंदी का किया, जरूर नहीं ऊपर लिप इसको हम बोलते हैं लाइफ लैंग्वेज लैंग्वेज कुछ याद आ गई टैग कुछ ऐसी है, तो वो लिप का मतलब है ऊपर सारी चीज हिंदी में, आप इसको अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, ये आपकी प्राथमिकता है। ठीक है, ये वहां गई जन पंचायत में गए गांव में गए जहां अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते तो वहां हम चाहेंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये है हिंदी में एक जर्नलिस्ट के रूप में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब आप फाइल नेम आपका, अभी तक फाइल नेम आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है पुरानी जो हिंदी हिंदी के काम में, लेकिन अब आप हिंदी में फाइल नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, हिंदी फाइल में लिख सकते हैं, हिंदी में जितने फीचर्स हैं आप इसमें देखते चल रहे हैं सारे फीचर ढूंढे निकल रहे हैं, फाइल में रिप्लेस हुआ आप उसमें कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आप अंग्रेजी में ही होने हिंदी एग्जैक्टली पार्ट ऑफ इंग्लिश एक्चुअली। ठीक है, अब हम इस चर्चा में समाप्त करते हैं, अब हम भविष्य में कोई भी बात करेंगे कोई भी काम करेंगे हमें मानकर चलेंगे यूनिकोड परिवेश में ही काम करना है यूनिकोड। अच्छा, फिर दूसरी चीज थोड़ा सा नेट में देखिए, अब आप जितने भी नेट में जाएंगे मैंने आपको बताया तीन प्रकार की वेबसाइट्स हैं, एक वो डिफॉल्ट डिपेंडेंट है, अभी भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो भारत सरकार की कितनी वेबसाइट्स हैं जो फॉन्ट डिपेंडेंट है, आपके पास फॉन्ट नहीं है वो वाला तो स्क्रीन पे दिखाई नहीं होगा, आपको डाउनलोड करो तो देखो मेरा फॉन्ट है ये हो। अच्छा, दूसरा कौन सी है जिसको कहते हैं